बिल्ली गले में घंटी बांधने जैसा है। यदि आप देखो, मैं तो बड़ा साफ कहता हूं कि मंडल कमीशन को लागू किया वीपी सिंह ने एज अ प्राइम मिनिस्टर, और उनको लगा कि ओबीसी के वोट्स उनको मिलेंगे। खूब बवाल हुआ, और कितने लोग मरे? राजीव गोस्वामी ने तो अपने आप को जला ही लिया था, मर गए वो। लेकिन उसके बाद भी आप देखो, वीपी सिंह की पार्टी सरकार में नहीं आई। तो होता क्या है कि पॉलिटिशियंस इसको लटका के रखते हैं कि हम रिजर्वेशन देंगे, और कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन रहता है, देंगे देंगे देंगे। वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती रहती है। तो जब तक ये लटका रहता है, तब तक तो पॉलिटिशियंस को फायदा है। जिस दिन दे दिया, उस दिन जिसको मिल गया वो कहता, अब तुमसे काम हो गया मेरा, अब हमें तुम्हारी क्या जरूरत है। और यदि एक बार मिल गया तो फिर उसको हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि फिर जो हटाएगा वो भरेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स है, वो भी हमारे इलेक्टोरल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। एग्जाम्पल हमारे पास है, मिलने के बाद हम आपके हैं कौन, और जब तक नहीं मिल रहा है तो जिसको मिलने के लिए आशा दिखाई जा रही है तो वो कहता है हम ही तो हैं आपके वो। दोनों में अंतर है, और इसी अंतर को पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस बहुत भुनाने की कोशिश करते हैं। तो जो रिजर्वेशन पॉलिटिक्स है, वो बेसिकली वोट बैंक पॉलिटिक्स है। उनको लाभ देना है, ये कहीं बैकवर्ड है दिमाग में। फॉरवर्ड तो यही है कि हमको इनके वोट्स को गार्नर करना है, इसीलिए वो काम हो रहा है। और इसको लिखा है, लिख ले, लिखवा तो दिया मैंने, कास्ट रिजर्वेशन एंड एफर्मेटिव एक्शन इन इंडिया, थोराट एंड न्यूमैन। ठीक है,